Devant cette photo सो हाई गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। सबसे पहले तो मैं आप सबसे पूछना चाहूंगी कि ठंड कैसा चल रहा है। मेरे यहाँ तो भयंकर ठंड हो गया है यहाँ पे, एंड रात को यार बहुत ही ज्यादा ठंडी लगता है। एंड इसी ठंड से बचाने के लिए मैं आज आप सबके लिए लाई हूँ विंटर वेयर हॉल वीडियो, येस मीशो से, क्योंकि आप सबको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है मीशो से ही। एंड काफी ज्यादा डिमांड भी आए थे कि आप सबको और भी कुछ देखना है, वो सब मैं धीरे धीरे से लाऊंगी। अगर आप सबको कुछ भी और भी देखना है देन जरूर आप सब मेरा इंस्टाग्राम में आप सब मेरे को नाउ डीएम कर सकते हो, तो मैं वो सब भी कलेक्शन में ऐड कर दूंगी अपने हॉल में। आप सब जरूर मुझे डीएम कर सकते हो। एंड हाँ गाइस, गिव अवे बहुत ही जल्द आने वाला है, सो आप सब जरूर मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना ताकि आप सब अपडेट रहो। इसलिए सब कुछ विनर्स वगैरह वहीं पर अनाउंस करूंगी, इसलिए आप सब जल्दी से मुझे वहां पर फॉलो कर लेना एंड ऑल्सो मुझे मैसेज भी करना, मुझे अच्छा लगेंगे, बातें शाते करेंगे यार। एंड यस, आप सबको टाइटल से तो पता चल गया है, सब मीशो विंटर वेयर हॉल वीडियो जल्दी से मैं आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ। ऑल्सो अगर आप सबने मेरा प्रीवियस वाला मीशो विंटर वेयर हॉल नहीं देखा है देन जाके देख लेना, वहां पे भी मैंने अमेजिंग अमेजिंग कलेक्शंस मैंने कुछ डाले थे यार। प्रोडक्ट का लिंक वगैरह आप सबको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो अभी वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, सो सबसे पहले मैं ये वाला शेयर करती हूँ एंड यू गाइस कैन सी बहुत ही ज्यादा ये क्यूट है, ऑल्सो कोरियन वाइब्स भी दे रहा है ये। और प्राइस मैं बता दूं इसका, ये मुझे कॉस्ट किया है 670। एंड इस टाइप का ना वुलन वाला स्वेटर अगर आप सब अदर वेबसाइट में देखने जाओ तो बहुत ही ज्यादा कॉस्ट करता है, एंड ये 670 में बहुत अच्छा वाला ये क्वालिटी में रिसीव हुआ है। सो प्राइस के हिसाब से बहुत ही ज्यादा ये वर्थ इट है एंड ओवर साइज है, सिर्फ एक फ्री साइज में ही अवेलेबल है, इसलिए मुझे वही सेलेक्ट करना पड़ा, अदरवाइज मैं और भी छोटा वाला साइज ऑर्डर करती। बट हाँ, ये ओवर साइज में है, आप सब जैसे चाहो वैसे यूज कर सकते हो। आजकल तो इस टाइप का नो ओवर साइज पहनना कार्डिगन्स बहुत ही ज्यादा कॉमन है, बहुत ही ज्यादा कोरियन वाइब्स दे रहा है ये। और कलर कॉम्बिनेशन जो है मुझे काफी ज्यादा ये अच्छा लगा है, वुलन है, काफी ज्यादा ये वार्म भी रहने वाला है। कुछ कुछ वुलन जो होता है स्किन पे चुभता है, तो ये बिल्कुल भी उस टाइप का क्वालिटी नहीं है। मैं आप सबको ये हाईली रिकमेंड करूंगी, दिस इज सो गुड, यू गाइस कैन सी। So yeah, it's very cute and price ke hisab se worth trying. And guys, before we move further into this video, I want to share with you all this little babies with you all, जो कि मैंने recently start किया है ये दोनों use करना। And you guys know मुझे Dermacool का products कितना ज़्यादा अच्छा लगता है, especially उनका sunscreen जो मैंने भर भर के मैंने use किया है and कुछ खत्म हो ना हो हमेशा मैं sunscreen stock करके रखती हूँ। So सब मेरा skin care Dermacool का है, सो आई थॉट कि चलो अभी क्लेंजर ट्राई किया जाए, क्योंकि अभी विंटर्स आ गया है, एक्स्ट्रा स्किन को केयर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, नहीं तो स्किन बहुत ही ड्राई, इची, फ्लेकी एंड बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। एंड अभी एक्स्ट्रा केयर करने का टाइम है विंटर्स में, इसलिए सो आई थॉट कि मेरा जो क्लेंजर है थोड़ा सा ड्राई कर देता है फेस को, इसलिए मैंने सोचा Dermacool का सब मेरा स्किन केयर रेंज से है, सो इसलिए मैंने सोचा Dermacool का ही क्लेंजर क्यों ना मैं ट्राई करूँ। सो आई tried this one and recently मैंने ये try किया है and trust me this is so good. The Dermacool 2% niacinamide oily skin cleanser is 100% so free and yeah also fragrance free. It gently removes oil, dirt, makeup and other impurities without drying out your skin. This gel-based cleanser is enriched with 2% niacinamide, cica extract and salicylic acid which is ideal for sensitive skin and protects the skin barrier. And सब कुछ स्किन केयर करने के बाद तो सनस्क्रीन की बारी जरूर आता है, चाहे विंटर्स हो, समर्स हो, मॉनसून हो, जो भी सीजन हो, एवरी डे आपको सनस्क्रीन यूज करना ही करना है। सो आई हैव स्टार्टेड यूजिंग द Dermacool अल्ट्रा लाइट जिंक मिनरल सनस्क्रीन। इट कम्स विद SPF 50, PA++ और 25% जिंक ऑक्साइड है इसमें, जो कि हार्मफुल UVA एंड UVB रेज से भी प्रोटेक्ट करता है। वाटर एंड स्वेट रेजिस्टेंट है विच इज अमेजिंग। नॉन ग्रीजी फॉर्मूला, सो स्किन पे तो चिपचिप फील नहीं होता है, इजिली स्किन पे एब्जॉर्ब हो जाता है। और हाँ, अच्छी बात ये है जीरो व्हाइट कास्ट देता है। एंड ऑल्सो गाइज, द Dermacool हैज एम्पावर्ड 10,000 प्लस स्टूडेंट दिस ईयर विद देयर यंग साइंटिस्ट इनिशिएटिव। एवरी टाइम यू बाई फ्रॉम देम दे विल लिंक योर ऑर्डर टू अ चाइल्ड दैट दे हेल्प एजुकेट अलॉन्ग विद भूमि। So yes, I have started using this amazing product. आप सब भी definitely use कर सकते हो। I also have a special coupon code for you all. आप सब definitely मेरा coupon code use कर सकते हो। मैं सब कुछ details वगैरह description box में mention कर दूंगी, आप सब जाके check out कर सकते हो। Next, मैंने ये black color में ये sweatshirt order किया है and इसका price बहुत ही affordable है। So ये मुझे cost क्या है only
385 साइज मैंने ये एम साइज ऑर्डर किया है। वैसे मैं स्मॉल साइज ही वेयर करती हूँ, बट जब मैंने साइज चार्ट मीशो में जो होता है ना साइज चार्ट मैंने जब चेक किया था वहाँ पे बस साइज आई थिंक 34-38 ऐसा कुछ था। सो ओवर साइज मैंने अपने लिए ऑर्डर किया है एंड आई थिंक ये ज़्यादा बड़ा साइज वाला ऑर्डर करने के बाद भी ये टाइट फिटिंग वाला फिट आएंगे, अभी देखते हैं। मैंने अभी भी ट्राई ऑन नहीं किया है, सो जो होगा साइड में आप सबको ट्राई ऑन देखने को मिल जाएंगे। मैंने एम साइज में मैंने ये ऑर्डर किया है एंड आई रियली लव दिस वन। क्वालिटी भी लाइक प्राइस के हिसाब से काफ़ी ठीक है एंड अंदर आप सबको फ्लीस मटेरियल भी मिलेंगे जो कि विंटर्स में ये काफ़ी वार्म रहने वाला है। और इस टाइप का आजकल स्वेटशर्ट में जो है विंटर्स वाला अंदर फ्लीस मटेरियल आप सबको मिलता ही है। और स्पेशली इसका जो कलर है, कलर कॉम्बिनेशन एंड ये यहाँ पे जो प्रिंट्स वगैरह है इसके वजह से काफ़ी ट्रेंडी लुकिंग है। सो ब्लैक लवर्स जो है स्वेटशर्ट्स अगर आप सब ब्लैक्स में ढूंढ रहे हो देन दिस इज लाइक सो गुड। प्राइस भी बहुत ही कम है एंड और भी आप सबको डिफरेंट कलर्स में भी मिल जाएंगे। आई थिंक 3 डिफरेंट कलर में अवेलेबल है, ये उनमें से एक है। एंड और भी थोड़ा सा हैवी विंटर्स के लिए मैंने ऑर्डर किया है ये क्यूट सा ये पिंक जैकेट जो कि ये काफ़ी ज़्यादा ये अफोर्डेबल है। ये मुझे कॉस्ट किया 399 एंड प्राइस के हिसाब से दिस इज सो गुड। बट यही प्रोडक्ट अगर थोड़ा सा और भी ज़्यादा प्राइस में हो जाए तो मैं सजेस्ट नहीं करती, बट हाँ 399 के हिसाब से द क्वालिटी और रिसीविंग दिस इज सो अमेजिंग। साइज मैंने एम ऑर्डर किया है और अंदर आप सबको फ्लीस मटेरियल मिल जाएंगे जो कि अंदर से काफ़ी ज़्यादा आप सबको वार्म रहेंगे, अंदर से बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है यू नो वार्म रखेंगे। एंड साइड्स में आप सबको यहाँ पे पॉकेट भी मिलेंगे, यस यहाँ पे पॉकेट है एंड जैकेट के पीछे के साइड ना नीचे में इलास्टिकेटेड है, तो इट्स लाइक वेरी अमेजिंग। काफ़ी ज़्यादा ये वार्म भी रहने वाला है विंटर्स में, प्राइस के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा ये वर्थ इट है, आप सब डेफिनेटली ये चेकआउट कर सकते हो। एंड नेक्स्ट वाला जो मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो भी मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है जो कि मैंने ये कार्डिगन मैंने ये ऑर्डर किया है। काफ़ी वक्त मैंने ये मीशो में नो ढूंढने के बाद मेरे को ये मिला है और इसका क्वालिटी जो है बहुत ही ज़्यादा ये अमेजिंग है। यू गाइस कैन सी बहुत ही क्यूट लुकिंग एंड प्राइस भी इसका काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, लाइक इट कॉस्ट मी 843। आई नो बहुत ही ज़्यादा है इसका प्राइस, बट क्वालिटी के हिसाब से यार जो ये मटेरियल रिसीव हुआ है मुझे, क्वालिटी जो रिसीव हुआ है बहुत ही अमेजिंग है। अगर आप सब लोग इन्वेस्ट कर सकते हो इतना हैवी प्राइस में तो आप सब डेफिनेटली मैं आप सबको ये हाईली रिकमेंड करूंगी। अदरवाइज आप सब स्किप कर सकते हो, कोई भी लाइक फोर्स नहीं है, जस्ट मैं दिखा रही हूँ जो मैंने शॉपिंग किया है। मुझे ये इसका क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा ये अच्छा लगा है, सो मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना प्राइस पे करने के बाद भी ये इस टाइप का मुझे कुछ रिसीव होंगे। अदरवाइज कभी भी मैं इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखती हूँ, बट हाँ सब कुछ लाइक अच्छा ही मुझे रिसीव हो गया। एंड यू गाइस कैन सी यहाँ पे क्यूट सा बहुत ही अमेजिंग एम्ब्रॉयडरीज आप सबको मिल जाएंगे, फ्लावर्स का, इंसेक्ट का। एंड इसमें ना कुछ भी एक्चुअली ना बटन्स नहीं है, जस्ट ऐसे ही आप सबको कार्डिगन्स टाइप ऐसा कुछ लेना होता है। और ये थोड़ा सा फ्लोई है यू नो ओवर साइज टाइप साइज, वैसे मैंने स्मॉल साइज ही ऑर्डर किया है। और या कलर प्रिंट एवरीथिंग इज सो क्यूट, पीछे से कुछ इस टाइप का है और अंदर से कलर थोड़ा सा डिफरेंट है। दोनों साइड आप सब इसको वेयर नहीं कर सकते हो, बट हाँ ऐसा लगता है। ओवरऑल कलर एवरीथिंग इज सो गुड एंड क्वालिटी वुलन है, आई मीन लाइक मटेरियल वुलन है, क्वालिटी के हिसाब से प्राइस के हिसाब से सब बहुत ही ज़्यादा सही है। एंड गाइस नेक्स्ट वाला चीज़ जो मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ ना बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है, लाइक बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है आजकल, व्हिच इज दिस फ्लीस वाला लेगिंग्स। यू नो वैसे ये जब आप वेयर करोगे ना ट्रांसपेरेंट ऐसा कुछ लगता है जो कि स्टॉकिंग्स आप सब वेयर करते हो उस टाइप का है, बट ठंड में स्टॉकिंग्स काम नहीं आता ना, इसलिए आजकल ये इस टाइप का फ्लीस वाला जो लेगिंग्स है मैं भी काफी टाइम से इस टाइप का ढूंढ रही थी यार लास्ट ईयर से, बट लास्ट ईयर तो ठंड चला गया इसलिए मैंने कुछ ऑर्डर नहीं किया, बट इस बार मैंने ये ढूंढ के ऑर्डर किया है। काफी बार मैंने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को भी ये मैंने वेयर करते हुए देखा है, मैं भी खुद से ढूंढ रही थी। जब मैंने मीशो में रिव्यू देखा मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल थी कि ये किस टाइप का मुझे रिसीव होंगे, बट हाँ चलो यार देखते हैं, अच्छा हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो रिटर्न कर देंगे, यही सोच के मैंने ऑर्डर किया। बट लकीली यार ये इतना अमेजिंग क्वालिटी का मुझे रिसीव हुआ है, यू गाइस कैन सी काफी ज्यादा ये आप सबको वार्म रखेंगे, अंदर फ्लीस मटेरियल है पूरा का पूरा और बाहर से भी
इट्स वेरी वेरी सॉफ्ट एंड काफी ज्यादा ये स्ट्रेचेबल भी है. बट आई विल सजेस्ट यू ऑल कि आप सब अपने साइज का जो है वही आप सब लेना. अदरवाइज थोड़ा सा ये छोटा साइज में आता है ना, तो वेयर करने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाएंगे. एंड मुझे यही थोड़ा सा डर लग रहा है कि ये मुझे होगा या नहीं. मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया है, 30 साइज मैंने ये ऑर्डर किया है. बाकी देखते हैं, अगर हो गया तो आप सबको साइड में ट्राई ऑन पार्ट देखने को मिलेगा. बट अदरवाइज अगर ये आप सबका साइज में निकला तो ये बहुत अमेजिंग ये एक यू नो स्टॉकिंग्स है. एंड नेक्स्ट वाला है दिस वन. ये जंपर मैंने ये ऑर्डर किया है मिंट ग्रीन में, साइज स्मॉल है एंड इसका प्राइस ना 511 मुझे ये कॉस्ट किया है. तो प्राइस के हिसाब से ये भी बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट मुझे ये रिसीव हुआ है. क्वालिटी इज रियली रियली अमेजिंग. वुलन मटेरियल आप सबको मिलेंगे एंड विंटर्स में लाइक हमारे यहाँ जैसे विंटर्स में जैसे नॉर्मल टेम्परेचर चलता है उस टाइप के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है. बट आप शिमला मनाली अगर आप सब जाना चाहते हो, कश्मीर वगैरह, वहां पर बिल्कुल भी ये नहीं चलेंगे. आप सबको डेफिनेटली लेयर करना पड़ेगा. बट हाँ, हमारे यहाँ इस टाइप के ठंड के लिए इट्स लाइक सो गुड. एंड आप सबको आई थिंक और भी डिफरेंट कलर्स में भी मिल जाएंगे. मैंने ये मिंट ग्रीन चूज किया था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है बट हाँ कलर ऑप्शन तो था कुछ. सो बाकी आप सब चेकआउट कर लेना, मैं सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दूंगी. एंड यहाँ पे आप सबको कॉलर में, नेक में, यहाँ पे जिप मिल जाएंगे. बाकी इट्स लाइक हल्का सा स्ट्रेचेबल और हाई नेक टाइप है थोड़ा सा. एकदम से बेसिक सा ये जंपर है, कुछ भी डिजाइन नहीं है, कुछ भी प्रिंट वगैरह ऐसा कुछ एम्ब्रॉयडरी नहीं है. सो या 511 के हिसाब से बहुत ही बेसिक मिनिमल टाइप है ये. आप सब डेफिनेटली ये ट्राई कर सकते हो. क्वालिटी के हिसाब से मुझे बहुत ज्यादा ये अच्छा लगा है. नेक्स्ट वाला मैंने ऑर्डर किया है अगेन अ स्वेट शर्ट, जो कि ग्रीन कलर में मैंने ये ऑर्डर किया है. इस टाइप का स्वेट शर्ट मैंने बहुत सारे ऑर्डर कर लिया है. ग्रीन कलर में मेरे पास ऑलरेडी है, वो मैं पहन पहन के एकदम से मेरा पुराना हो गया है. बट हाँ, ग्रीन कलर मुझे इस टाइप विंटर टाइम में कोजी वेदर में मुझे ग्रीन कलर्स पहनना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने ये ऑर्डर किया है. सो प्रिंट इज डिफरेंट. वो वाला आई थिंक कैलिफोर्निया वाला था. ये वाला थोड़ा सा कार्टून प्रिंट में आप सबको ये मिलेंगे. वैसे मैंने साइज ना एम में ऑर्डर किया है मैंने एंड इसका प्राइस भी बहुत ही ज्यादा कम था. ये मुझे कॉस्ट किया है ओनली 384 आई थिंक. सो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है बट मैं सब कुछ स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी. सो प्राइस के हिसाब से यार अगेन दिस इज सो वर्थ ट्राइंग. अंदर आप सबको फ्लीस मटीरियल मिलेंगे जो कि विंटर्स में काफी ये आप सबको वार्म रखेंगे. और बेसिक सा ये आप सब स्वेट शर्ट बोल सकते हो, जस्ट लाइक फ्रंट से आप सबको ये प्रिंट मिलेंगे. एंड प्रिंट भी उस टाइप का नहीं है कि बहुत ही ज्यादा चीप है कि वॉश करने के बाद ही उतर जाएंगे, उस टाइप का नहीं है. सो अच्छा ही होता है. मैंने भी काफी बार वेयर किया है, वॉश भी किया है. प्रिंट वैसा का वैसा ही होता है मीशो में. एंड गाइस लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई ऑर्डर द साइक्लिंग शॉर्ट्स, जो कि इसका क्वालिटी काफी ज्यादा सही है. बट मैंने एक गलती कर दिया, ये मैंने ऑर्डर किया है 30 साइज में, जो कि आई थिंक ये बहुत ही ज्यादा मुझे ये टाइट होने वाला है. एक साइज आई थिंक मुझे अब ऑर्डर करना चाहिए था. मैंने अभी भी ट्राई नहीं किया है बट ये उतना ज्यादा स्ट्रेचेबल नहीं है. उस वजह से मैं देख के थोड़ा सा सोच रही हूँ कि ये मुझे फिट आएंगे नहीं. अगर आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है. ये मुझे कॉस्ट किया था ओनली लाइक 150 के अराउंड. मैं मेरे को अच्छे से याद नहीं है इसका प्राइस, सो मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी. क्वालिटी काफी ज्यादा अमेजिंग है. वीडियो में जब लाइक मैं शॉर्ट्स वगैरह ये सब करती हूँ तो मुझे बहुत ही ज्यादा जरूरत था, इस वजह से मैंने ये ऑर्डर किया है. क्वालिटी तो बहुत ही ज्यादा सही है, कहीं से भी स्टिचिंग का भी कुछ इश्यूज नहीं है. मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था यार इतना अच्छा वाला निकलेंगे ये. बाकी देखते हैं, अगर साइज हो गया तो रख लूंगी, अगर नहीं हुआ तो मैं रिटर्न कर दूंगी. आप सबको साइड में ट्राई ऑन पार्ट देखने को मिल जाएंगे. सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो. आई होप यू गाइस एंजॉयड वॉचिंग एंड इफ यू डू देन प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. सी यू ऑल गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल.